पहले जब हमने नमाज पढ़ते हैं फिर हम ये जी उठाते हैं सामान खाया, मुझे लगता है इतना नहीं होगा जितने बर्तन बिखरे पड़े हैं। मर्द सामान जी ये सोए पड़े हैं, ये जी औरतों का काम, पहले भी वो बनाए बाद में भी वो करें काम, औरत बेचारी जाए तो जाए कहाँ, ये बैठी है थक थार के। हालांकि काम सारा मैंने किया, ऐसे भी थे बल्ले बनाए होंगे। मेरा काम नहीं खोल रहा। हाँ, इंसिया और अली हमजा खेल रहे हैं। अब्दुल बासित को मोशन लग गया, अब्दुल बासित को मोशन लग गए हुए हैं। उसके पापा उसको दबा रहे हैं, उसने नहीं मोशन इसलिए लगी है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा तारी खा ली थी। काबू अपने दोस्त के घर जब गया है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये जी सहरी का टाइम हो चुका था, सहरी के टाइम सन्ने सा चढ़ने का दिन था। मैंने आपको बताया कि मैं सहरी के टाइम ही कपड़े धोती हूँ और आज फिर मेरा कपड़े धोने का टाइम हो गया था। हफ्ता ये संडे का दिन है। हाँ जी, कल संडे मतलब आज संडे की सुबह का ही रूटीन है सहरी के टाइम की। तो कुछ कपड़े थे ये नए सूट थे जो मैंने हाथ में धोने थे, और बाकी जी थोड़े से कपड़े थे मशीन पे लगाने थे। लेकिन रात को खामोशी होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, साथ वाले हमसाया डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने 1:30 बजे के करीब लगाई है ताकि साजेर उठने का टाइम भी हो जाता है। और जी यहाँ पे जी दोपहर को मैंने बनाई थी, कल दोपहर को मतलब हफ्ते वाले दिन, सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप डाल दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जी 4:15 होने वाली थी, मुझे लगता है अब कपड़े मैं यहाँ पे धो धो लिए थे और फटाफट धो धो के सारी सबने बैठ के कर लेती। सारी जब हम कर रहे थे तब तो वीडियो कोई नहीं बनाई। फिर जी शाम का टाइम हो गया, आजकल रोज़े बहुत ज़ोर से लगते हैं, बहुत ज़ोर से लगते हैं। आपको आपने रोजा रखा हुआ है? हाँ। दुआ तो फिर मांगो। ये कटिंग किसने की है आपके बालों की? बाबा ने की है। और अली हमजा की कटिंग किसने की? अच्छी लग रही हो। चलो घूम कर तो दिखाओ YouTube फैमिली को, अस्सलाम वालेकुम तो कर दो YouTube फैमिली को। हाँ जी, तो आपको पता है दांत एक हमारे हैं नहीं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा, मुझे तो खास तौर पे खाते खाते टाइम लग जाता है, मैं ज़रा हल्का स्लो खाती हूँ। और जी बच्चे भी थोड़ा सा खा पी लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, जिस जो जो जैसे जैसे रख के जाता है फिर वो नमाज़ के बाद खा पी लेते हैं। ये जी दोनों बाप बेटे नमाज़ पढ़ कर आए बैठे थे, इंसिया और ये अली हमजा जो है ये आराम से बिल्कुल नहीं बैठते, चारते करते रहते हैं। औरत की भी क्या ही ज़िंदगी है, पहले भी काम करें, अफ्तारी से पहले भी काम करें, अफ्तारी के बाद भी काम करें। आज तो मेरी तबीयत सारा दिन ही बहुत ख़राब रही है, क्योंकि मैंने सारी के टाइम कपड़े धोए थे और पता नहीं क्यों जिस समय बहुत दर्द था, मुझे रोज़ा बहुत लगा था। मेरा इरादा था कि मैं कल रोज़ा नहीं रखती। हम तीनों का कंपटीशन चल रहा है कि क्या, मैंने अपने बेटे को कहा आप रोज़ा छोड़ना, कल हम रोज़ा छोड़ते हैं ना, हमें रोज़े बहुत ज़ोर से लग रहे हैं आजकल। माशाल्लाह 18.5 रोज़े रख लिए हैं, आप कल 19वां रोज़ा इंशाल्लाह रखेंगे। जब सहरी का टाइम आता है फिर हम कहते हैं हम नहीं रख छोड़ते ना, तो पता नहीं वीकनेस हो गई है एक बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर वीकनेस सी फील होती है। हालांकि सहरी भी करते हैं तो फिर भी एक अजीब सी वीकनेस फील हो जाती है। माशाल्लाह आज तारी पाइट से मंगवाई थी,
फर्स्ट टाइम इसके बाबा लेकर आए समोसे मेरे बोले बगैर। हालांकि ये समोसे खाने से बिल्कुल एतराज़ करते हैं कि नहीं खाने चाहिए, पता नहीं क्यों कैसे इनका दिल किया क्या समोसे लेकर आ गए। ये जो नेबर से आए थे और मैं फ्रूट क्रीम चाट लेकर आ गई थी। बच्चे काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि मम्मा बाहर से फ्रूट क्रीम चाट बोला बिल्कुल नहीं जाता, बस हालत बुरी होती है। तो चलो चलते हैं, रफ्तार करते हैं, मिलते हैं आपसे।